नमस्ते, वेलकम टू माय हंगर पैंग्स। दिवाली इज राउंड द कॉर्नर और सबके घर में जोर शोर की तैयारियां चालू है, या तो सफाई या तो मिठाई। ज्यादातर मिठाइयां या फरसान जो बनते हैं दिवाली में सारे डीप फ्राइड होते हैं, पर आज जो मैं आपके साथ बनाने वाली हूँ वो है एक हेल्दी और टेस्टी डेजर्ट, यानी कि बेक्ड गुजिया। सबसे पहले हम बनाएंगे गुजिया के लिए मैदा। हमने यहाँ लिया है करीब 3 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी, चुटकी भर बेकिंग पाउडर, चुटकी भर नमक। आप इसे अच्छे तरह से मिला लीजिए जब तक इसकी कंसिस्टेंसी ब्रेड क्रम्स की तरह ना हो जाए। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा घी और डाल दीजिए। जब आपका मैदा कुछ ऐसा दिखेगा, आप इसमें डालेंगे पानी। हमारा मैदा गुजिया के लिए रेडी है। हम इसे कवर करेंगे और करीब 15 मिनट इसे सेट करने के लिए रख देंगे। इस बीच हम बनाएंगे गुजिया की फिलिंग। गुजिया के फिलिंग के लिए सबसे पहले हम क्रश करेंगे सारे नट्स। यहाँ पे हम लिए हैं करीब 2 से 4 बड़े टेबलस्पून काजू, 2 से 4 बड़े टेबलस्पून वॉलनट्स और 2 से 4 बड़े टेबलस्पून बादाम। रफ ग्राइंड कर लीजिए। हमारे बादाम अब पिस चुके हैं। जब आप इसको पीस लेंगे ये कुछ ऐसे दिखेंगे। फिलिंग की तैयारी चालू करने के पहले हम अपना ओवन को प्रीहीट कर देते हैं। इसे हम 180 डिग्री पे करीब 40 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख देंगे। गैस चलाते हैं। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले करीब 2 छोटे चम्मच घी, 2 से 4 छोटे चम्मच ब्राउन शुगर, 6 चम्मच हमारा बादाम का रफ ग्राइंड। इसमें हम डालेंगे करीब 2 से 3 छोटे चम्मच कटे हुए खजूर, कुछ किशमिश और चुटकी भर इलायची पाउडर। इसे मिला लीजिए ताकि जो ब्राउन शुगर है वो गल जाए और सारे इंग्रेडिएंट जो है एक साथ मिक्स हो जाए। ध्यान रहे कि आपका गैस लो फ्लेम पे रहे ताकि आपकी फिलिंग जो है वो जल ना जाए। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ब्राउन शुगर गल ना जाए और इस फिलिंग में एक स्टिकी टेक्सचर आ ना जाए। हमारा फिलिंग अभी रेडी हो चुका है। गैस ऑफ कर दीजिए। आप देखेंगे कि सारे इंग्रेडिएंट्स स्लाइटली कैरमलाइज्ड हो गए हैं और खजूर और ब्राउन शुगर अच्छे तरीके से मेल्ट होके एक स्टिकी टेक्सचर बन गया है। अब हम अपना गुजिया की तैयारी चालू करते हैं। हमारे गुजियाज अभी बेकिंग के लिए रेडी है, पर इसके पहले हम इसे स्लाइट घी के साथ ब्रश कर देंगे। बेकिंग ट्रे को फ्लावर के साथ ड्रिजल कर देंगे। हमारे गुजियाज ओवन के लिए तैयार है। हमारी बेक्ड गुजियाज अब तैयार है। आप इसे स्टोर कीजिए और जब भी मर्जी खाइएगा। पर हाँ, खाने के पहले आप इसे हनी और ब्राउन शुगर के साथ
ड्रिजल कर लीजिएगा। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो इन एडवांस। अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट माई हंगर पैंग्स। कीप वॉचिंग माई हंगर पैंग्स फॉर मेनी सच मोर रेसिपीज।